जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी फौजी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके 3 डाउट्स क्लियर करूँगा जो ऑल इंडिया लेवल के, जिसमें गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। तो सबसे पहला मैं पॉइंट कवर करना चाहूँगा गर्ल्स के लिए। जी हाँ, वुमेन मिलिट्री पुलिस, जैसा कि आपको पता है कि 3 साल से ये जो आर्मी के अंदर, जो मिलिट्री पुलिस के अंदर गर्ल्स को भी लेने लगे, जिसके अंदर हर साल 100-100 वैकेंसी आती है और इस बार भी 100 वैकेंसी आई है। और इस बार जो गर्ल्स का 10th का 84% की मेरिट छूटी है, जिन बच्चियों के 84% 10th में थे उन बच्चियों का सिलेक्शन ले लिया गया है। तो जो भी मेरी बहनें वो अपना अभी रनिंग की तैयारी शायद पहले कर रहे होंगे, और जिनकी और तैयारी अभी बाकी है वो अपनी रनिंग की खासकर तैयारी करती रहे और अपना फिजिकल पास करने के लिए, आपको पता है कि सबसे पहले आपका रनिंग होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद में लास्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट कवर करूंगा मैं कि मेरे पास अभी पंजाब से, लुधियाना से कॉल आ रहे हैं काफी, लुधियाना है, मोगा है, रूपनगर है, जिनकी भर्ती दिसंबर 2020 में हुई थी, जिसमें रिटर्न अपना सॉरी फिजिकल हो चुका है, रनिंग वगैरह हो चुका है और मेडिकल एग्जाम भी हो चुका है। अभी उन भाइयों का रिटर्न एग्जाम बाकी है। क्या है? रिटर्न एग्जाम बाकी है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप टेंशन नहीं ले, ऑल इंडिया भी, राजस्थान के भी काफ़ी ज़िले हैं और बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं, आसाम के भी, ऑल इंडिया के अभी जो दिसंबर से लेकर अभी तक जिनका रिटर्न बाकी है उनका शायद अभी तक बता रहे हैं 29 अगस्त हो जाए या उसके बाद भी हो सकता है। इसके लिए अभी परमिशन चाहिए, जैसे गवर्नमेंट परमिशन दे देगी तो आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा और आप लोग उसकी तैयारी करते रहे। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट मैं कवर करूँगा खासकर यूपी वाले बंदों के लिए। तो जैसे कि 6 सितंबर का उनकी भर्ती थी, वो अभी किसी कारण पोस्टपोन कर दी गई है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। कोई भी चीज आपके साथ कोई समस्या आती है तो एक रास्ता बंद होता है तो 2 रास्ते आपके लिए खुलते हैं, लेकिन वो आपको चयन करना कि मेरा रास्ता कौन सा खुला है। तो इसमें आपको निराश, हताश या घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपका और अच्छा, जिनका अच्छा टाइमिंग आ रहा था और अच्छी मतलब प्रैक्टिस करो, जिनकी प्रैक्टिस कम थी वो और अच्छा करे, जिससे आप एक्सीलेंट ग्रुप में या फर्स्ट ग्रुप में आप आ सको। तो मेरे भाई, जो भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसका ठंडे दिमाग से बैठ के, या आपसे कोई सीनियर है या आपका कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर है या आपसे कोई ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा है, उससे आप नॉलेज लें, उससे राय मशवरा करें, उसके पास बैठें, उसके साथ डिस्कस करें। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई है गर्ल्स के लिए आ गई है। और जो पंजाब वाली या ऑल इंडिया, राजस्थान से भी काफ़ी कॉल आ रहे हैं, सर एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम हो जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपना रिटर्न की तैयारी करते रहें। और खासकर जो यूपी वाले, जिनकी अभी भर्ती पोस्टपोन हुई है, वो अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें। तो ये शायद 2-3 डाउट्स मैं मेरे भाइयों बहनों के मैंने क्लियर कर दें। और जहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और अपनी मेहनत करते रहो यदि आपको इंडियन आर्मी में सिलेक्शन देना। तो सबसे पहला पड़ाव आपका टारगेट 1600, इंडियन आर्मी का क्या है? टारगेट 1600, जो आपको 5 मिनट या उससे भी कम लाओगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना, आपका दोस्त लकी फौजी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।